हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 35 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पे चले तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर पीछे की एक हफ्ते में इस स्टॉक में 5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और एक महीने में इस स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक टॉप हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 63 रुपए 15 पैसे। 63 रुपए 15 पैसे इस स्टॉक में टॉप हाई बॉटम बनने के बाद में ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहेगा। इस स्टॉक का नीचे के देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 52 रुपए 85 पैसे। 52 रुपए 85 पैसे इस स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक फ्रेश खरीदारी देखने को मिल सकती है और अगर आपके पास स्टॉक है तो आप शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस अराउंड 52 रुपए 90 पैसे का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 54 रुपए 90 पैसे और 55 रुपए 50 पैसे तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो अराउंड 51 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 62 रुपए और 70 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट 62 रुपए 50 पैसे के बाद ही देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक और बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।